दस साल पहले मैं जिना कन्वेंशन के सामने रोड हाँ। पे छोले भटूरे बेचता था और आज मैं अंदर आके बात कर रहा हूँ अब आपको कैसा लगेगा वो सबने तालियां बजाना शुरू कर दी कनेक्टेड पाकिस्तान में कभी मिस नहीं करता मैं अच्छा। पिछले साल भी गया था इस साल भी गया था उससे पिछले साल भी गया था और इस साल इंशाला अगर होती है तो मैं इनशाला जरूर जाऊंगा देखिये पाकिस्तान तो अभी बेगैरती में बहुत पीछे जो आपने जैसे बाहर आपने एक मिस्टर बीस्ट का नाम लिया मैं आपको डीसी ऐसे नाम बताऊँ जो पूरे पूरे फैमिली बलॉग्स कर रहे हैं अपनी फैमिलिया दिखा रहे हैं अपने यहाँ तो चलो फिर बड़े लोग ऐसे मुसलमान नहीं है ना वो मुस्लिम सोसाइटी नहीं है आपका ये सवाल फिर हो सकता है लेकिन अगर आप कंपेयर करें फिर भी उनसे बहुत बेहतर है किन किन मुल्कों का सफर हुआ और वहाँ पर क्या क्या काम किया मसला यहाँ पे ना ये दो चार मसले हैं जिनको अगर सोल्व कर लिया जाए जिसमें नंबर वन है सिक्योरिटी क्या मैं किसी को मैं अमरीका से बुला लूँ किसी को और ऐसे ही घूमता है घूमता फिर रहा हूँ मुझे कोई टेंशन नहीं हो कुछ भी नहीं हो जैसे की मैं दूसरे ममालिक में जाके घूम रहा हूँ मुझे कभी ये फील नहीं होता यार पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाए कुछ हो जाए वेलकम बैक टू अदर जेटीआर पॉडकास्ट आर मोहतरम आप जानते हैं कि स्टोरी टेलिंग के जरिए लोग सदियों जो है वो लोगों को एंटरटेन करते चले आ रहे हैं इंस्पायर करते चले आ रहे हैं एजुकेट करते चले आ रहे हैं ये बहुत ज़बरदस्त से आर्ट और स्किल है जिसके थ्रू लोग जो है वो लोगों को एजुकेट भी कर सकते हैं इंस्पायर भी कर सकते हैं और अपना जो पैगाम है बहुत मौसर तरीके से वो कन्वे भी कर सकते हैं तो आज हमारी ये जो हमारा जो पॉडकास्ट है इसका बुनियादी और मरकज़ी मौजू भी यही स्टोरी टेलिंग ही रहेगा हमारे साथ मौजूद हैं वक़ार सिद्दीकी साहब एक जाना माना और पहचाना नाम है आप उनको यूट्यूब के ऊपर देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी मकबूलियत रखते हैं माशाल्लाह ट्रैवल करते हैं बहुत सारी जगहों पर आप उनकी रील्स देखते हैं बहुत ज़बरदस्त वो काम कर रहे हैं माशा इस फील्ड में तो वकार भाई असल वरम्ह वरकुम कैसे हैं आप अलहमद आप कैसे अलहमद लाला अच्छा बात तो यहीं से आगाज करते हैं कि वकार सिद्दीकी ने कैसे ये काम शुरू किया और क्या वो चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया आप किस तरीके से किसी भी चीज़ को इम्पेक्टफुल बना सकते हैं उसके पीछे कहानी डाल के बेसिकली जिना कन्वेंशन सेंटर मेरा एक बहुत ख्वाब था कि वहाँ जाके मैं आ, बात करूँ और वो एक ऐसी जगह जहाँ पे प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान और आगे बात करती हैं तो मैं वहाँ बात कर रहा था तो मैं लोगों से एक बात कह रहा था कि अभी मैं यहाँ पर खड़ा हुआ आप लोगों से बात कर रहा हूँ अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं दो दिन पहले कराची से जहाज में बैठ के आया फाइव हाँ। स्टार होटल में रह रहा हूँ यहाँ पे अपनी टॉक दूंगा दो दिन के बाद मैं वापस छोड़ के कराची चले आऊंगा तो ठीक है लेकिन हाँ। इसमें मजा नहीं आ रहा ना कोई मतलब तो सुनने वाले को हाँ यार ठीक है भाई आया लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आज से दस साल पहले मैं जिना कन्वेंशन के सामने रोड पे छोले भटूरे बेचता था और आज मैं अंदर आके बात कर रहा हूं अब आपको कैसा लगेगा वो सबने तालियां बजाना शुरू कर दी सब समझे गए ये मतलब असली में कह रहे तो फिर मैंने उनको कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन मैंने एक पीछे स्टोरी जोड़ दी लोगों का इमोशन कनेक्ट हो गया कि यार क्या स्ट्रगल है इस बंदे की छोले भटूरे बेच रहा था और आज आके पर ये आ, बात कर रहा है इतनी क्या कहते हैं जिना कन्वेंशन सेंटर में तो मैं उनको से पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग ही बता रहा था सही। कि एक स्टोरी से मैनिपुलेट किस तरह जज्बात किए मेनिका मिक्सअप कर गए तो मैं मैंने कभी जिंदगी में सिर्फ छोले भटूरे खाए लगता नहीं है सर आप बेचते होंगे हाँ। तो मैंने लेकिन खाए भी इनते हैं हाँ जगह जगह के घाट घाट के हमने छोले लोगों ने पानी पिया और हमने छोले खाए में बट तो ये वो तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल था ऐसा ऐसा है नहीं ठीक है माशा अच्छा ये बताइएगा कि स्टोरी टेलिंग ज़ाहिर की एक आर्ट और स्किल है बुनियादी स्ट्रक्चर इसका क्या है और उसके जरिए आप कैसे लोगों को कन्वे कर सकते हैं अपनी बात उसका पूरा एक जरा देखें आ, बुनियादी स्ट्रक्चर तो काफी टेक्निकल बात हो जाएगी मे बी शायद आगे जाके हम इसमें बात करें सही बात यह है कि हमारा जो इंसानी दिमाग है ना वो इंफॉर्मेशन को ना पैटर्न्स में याद रखने में उसको बड़ा मजा आता सही। है ठीक है मैं आपको एक रैंडमली डेटा कहता रहूं कहता रहूं आपको बताता रहूं आप शायद दो तीन मिनट चार मिनट आपको याद रहे लेकिन आप भूल जाए अब आप देखें ना जैसे कि अगर मैं आपको एक रैंडम नंबर बताऊं जीरो थ्री हंड्रेड टू फाइव थ्री सेवन फाइव एट टू जी। ठीक है एक दफा दो दफा आप भूल जाएंगे लेकिन मैं अगर आपको आप हमारी पूरी जनरेशन गाती फिर रही है है जुबानी याद सबको याद है ठीक है जो हमने जिस टाइम वो किया क्यों क्योंकि क्यों, क्यों, बहुत ही मेलोडियस पैटर्न के थ्रू हमारे दिमाग में बैठा हुआ तो हम कच, कुछ भी कर लें हम भूल नहीं सकते बिल्कुल ठीक है तो इन्फॉर्मेशन का भी ऐसा ही है कि जब आप कोई चीज कनेक्ट डॉट कनेक्ट करके देते ना कि हमारे दिमाग को आसान हो याद रखना उसके लिए डॉट्स कनेक्ट हो जाए तो इससे क्या होता है कि वो चीज देर पा होती है वो देर तक याद रहती है मैं एक मिसाल देता हूं इसकी कि जैसे कि हम बहुत बड़े बड़े साइंसदान गुजरे एक साइंसदान थे जिनका नाम आइंस्टाइन था अब मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ हाँ बड़ा साइंसदान था मैं झटके से पूछता हूँ क्या किया था उसने नहीं पता था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये वो था क्या नहीं पता नहीं पता ठीक है लेकिन तीन सौ साल पहले न्यूटन आया था अब मैं उनसे न्यूटन ने क्या किया था नाम भी ना लू मैं कहूं यार एक के नीचे एक साइंसदान बैठा हुआ था तो आगे से खुद ही बताते यार हाँ वो न्यूटन था उसके सर क्यों क्योंकि कहानी जुड़ी है ना एक बिल्कुल न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटी के साथ एक कहानी है तो वो हर किसी को याद है चाहे साइंस पढ़े ना पढ़े कुछ भी करें तो जो स्टोरी टेलिंग है ना उसके जरिए आप अपने मैसेज को देर पा लोगों के दिमाग में रख सकते हैं पहली चीज और दूसरी चीज उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आता है अच्छा अगर आपकी स्टोरी रिलेटेबल हो अगर आप ऐसी बात कर रहे हो जिससे अगला रिलेट कर जाए ना तो फिर आप उसको कोई भी इंफॉर्मेशन देंगे वो हज़म कर लेगा सही ठीक है अच्छा कनेक्टेड पाकिस्तान में आपका जाना हुआ था तो उसमें आ, उसका थोड़ा सा ना उसकी कारगुज़ारी बताइए कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस आप देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम है तमाम जो टॉप के मीडिया चैनल्स हैं या बाकी चीजें तो वो सियासत ही डिस्कस हो रही है वहाँ पर तो इस तरह की जो कॉन्फ्रेंस हैं उसकी अहमियत क्या है और उसमें जो ख़ास तौर पर आप थोड़ा सा कोई पैगाम भी दे दें कि ये होनी चाहिए होनी चाहिए तो कौन कौन लोग इसमें आने चाहिए बात करनी चाहिए किस मौजू पर बात करनी चाहिए इस पर थोड़ा मेरे ख्याल में हम इस वक्त ज़रूरत यह है कि जो सीखने वाले हैं ना जी उनको सिखाने वालों से ज़्यादा प्रैक्टिकल लोगों से कनेक्ट करने की ज़रूरत है अच्छा ठीक है वो लोग जो प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो कोई भी हो सकती है वो आईटी हो सकती है वो आर्ट्स हो सकती है वो कुछ मतलब यानी कि वो साइंस हो सकती है बिजनेस हो सकती है लेकिन मेरा अब ये बहुत जिसे कहते हैं ना कि ज्यादा मानना है कि जो लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं खुद वो उन लोगों से कनेक्ट होना जो कि सीखना चाहते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि वो लोग जो सिर्फ सिखा रहे हैं जो सिर्फ थ्योरीज़ पे बात कर रहे हैं मैं अच्छा और दूसरी बात ये भी है जरूरी नहीं है कि कोई बंदा जो बिजनेस बहुत अच्छा करता हो जरूरी नहीं है कि वो सिखा भी अच्छा सकता हो तो सिखाना जो है ना वो कोई एक बच्चों वाली चीज नहीं है वो एक बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है बिल्कुल आप किसी का टाइम ले रहे हैं किसी की अटेंशन ले रहे हैं किसी का बहुत सारे बेशर केसेस में पैसा ले रहे हैं बिल्कुल ठीक है तो सिखाना ये आना भी बहुत जरूरी है लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ सिखाना ही आता है वो नहीं आता जो वो बता रहे हैं उनको सिर्फ ये पता है उनको ये आर्ट आता है कि हमें लोगों से बात कैसे करनी है उनको ये पता है कि अगला बात समझेगा कैसे लेकिन उनका पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता तो मेरे ख्याल में इस तरह की कॉन्फ्रेंसिस कनेक्टेड पाकिस्तान में कभी मिस नहीं करता मैं अच्छा। पिछले साल भी गया था इस साल भी गया था उससे पिछले साल भी गया था और इस साल इंशाला अगर होती है तो मैं इनशाला जरूर जाऊंगा तो ये इससे होता क्या है कि आपसे डायरेक्ट सीखने वाले सामने बैठे हुए होते हैं और सिर्फ ये कनेक्टेड पाकिस्तान नहीं है मैं पाफला के साथ मैंने बहुत काम किया है पाकिस्तान और फ्रीलांसिंग एसोसिएशन करके है उनका भी बहुत बड़ा नेटवर्क है यहाँ पे तो उनके साथ मैंने काफी वगैरह वो मुझे बुलाते हैं मैं उसमें आता हूँ मैं यूनिवर्सिटीज के अंदर काफी जाता हूँ और वहां जाके मेरी हमेशा से कोशिश ये होती है कि मैं जो मैंने पढ़ा है यानी कि मेरी अपनी बैचलर्स में डिग्री है इकोनॉमिक्स की सही मेरी हमेशा से कोशिश ये होती है कि मैं उन लोगों को वो ना पढ़ाऊँ जो मैंने पढ़ा है मैं उन लोगों को वो बताऊँ जो मैं खुद करता हूँ बिल्कुल तो आपका जो सवाल है तो इसलिए होना बहुत जरूरी है इस तरह की के जो प्रैक्टिकल लोग हैं क्योंकि मजे की बात है कि जो प्रैक्टिकल इंसान होता है ना उसके पास पढ़ाने और बताने का टाइम भी नहीं होता वो है अपना ही कर लू तो उन लोगों को खींच के लाना उन लोगों के लिए इंसेंटिवाइज इस तरह करना चीजें कि वो कहें अच्छा है, चलो हम सिखाने भी तैयार हैं तो इसके लिए प्लेटफॉर्म्स बड़े जरूरी हैं ठीक है अच्छा आपने कहा था कि आपने कोई एक के करीब वीडियो बनाई है लेकिन उसमें से ना कोई एक एक थी जो चौथे नंबर पे उसने माशा बूस्ट किया और मिलियन तो स्ट्रगल से आप गुजरे हैं तो उसका थोड़ा बताएं जो आपको सुन रहे हैं नाजरीन हमारे बिल्कुल कि कैसे आप जो है ना अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखें मुश्किल मिजाजी आपके अंदर हो आपने क्या क्या एफर्ट्स किए हैं जरा वो थोड़ा सा देखें वो तो यूट्यूब हो दुनिया का कोई भी काम हो ठीक है जब आप कोई काम कर रहे हो ना तो मैं एक हमेशा अच्छा ये बात हमें कहा जाता है कि ईमान का दारो मदार नीयत पर है बिल्कुल ठीक है ये सिर्फ एक किताबी इस्लामी ऐसी बात नहीं है ठीक है ना इसका रियल लाइफ में दुनिया बहुत, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ऐसे ही है हद से ज्यादा ठीक है ना हमने तो बचपन में सुना के जी ईमान का वो क्या कह कहते हैं ईमान का दारोमदार नहीं अभी मैं क्या वो कह रहा था ईमान का दारोमार नीयत का अमाल का आमाल हा, आमाल हा, का, दारोमदार नियत पर है तो अः हम लोग हमेशा उसके अंदर सिर्फ यही सोच सुनते आए और जाहिर सी बात है जब इस तरह की बातें अल्लाह ताला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमसे की हैं वो बहुत वसी है बिल्कुल ठीक है ना वो जो उन्होंने हमसे बात की हुई है ना उसके उसके मतलब हम क्यामत तक ढूंढते रहेंगे उसके मतलब हम क्यामत तक ढूंढते रहेंगे और वो निकलते रहेंगे तो एक मतलब मुझे उसका मिला और वो ये कि काम भी वो करें ठीक है ना जो ज, जो भी काम करें ना उसकी नीयत अपनी ना पहले क्लियर करें रहें। साफ रखें ठीक है हमारे यहाँ मसला ये होता है जो कि इतफाक से ही मेरे साथ नहीं था मैं इसके अंदर कोई अपने आप को वो नहीं कह रहा कि भाई मेरे अंदर देखें मसला नहीं है इतफाक से नहीं था एक। सही। और वो भी सिर्फ इसी मामले में नहीं था और वो ये कि जब मैंने YouTube पे वीडियोज बनाना शुरू की मैंने कहानियां सुनाना शुरू की ना तो मेरी नियत ना सिर्फ कहानी सुनाना ही थी अच्छा मेरी नियत ये कभी भी नहीं थी कि मैं इससे थी ऑफ कोर्स एक अंदर से होता है कि मेरे एक दिन फॉलोअर्स होंगे मैं इससे पैसे सब कुछ होगा ठीक है बट मैं इसके लिए नहीं कर रहा था मुझे कहानियां सुनाने में मजा आता है ठीक है मैं 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 जो जो कर रहा था 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 लोगों से बात करता था, मैं उनको अपने थॉट प्रोसेस मुझे उसमें मजा आता तभी 103 बगैर किसी के देखे बना गया सही ठीक है ना अगर मेरे शुरू से ये होता ना कि यार मेरी वीडियो डालूंगा उस पर बड़े व्यूज आएंगे उस पर बहुत सारा पैसा मिलेगा वो मुझे नहीं मिलता मैं दस भी नहीं कर पाता ठीक है मैं कहता यार हो ही नहीं रहा जो मुझे करना है वो तो आ ही नहीं रहा तो फायदा इस चीज का तो देखें पैसा तो हमेशा से बाय प्रोडक्ट है किसी भी चीज का आपको जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं होगा आप किसी दुकान पे कहीं जाए आपको ऐसा ही पैसा दे दे ऐसा तो कभी भी नहीं होगा कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना तो अगर आप वो जो कुछ ना कुछ देना है आपने किसी को वो इखलास से दें तो पैसा फेम ये सब बाय प्रोडक्ट्स वो आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से घूम फिर के तो ये वजह है कि 103 वीडियोस पे भी मुझे एहसास नहीं होता था कि यार मुझे लोग नहीं देख रहे कुछ नहीं कर रहे मुझे रोज सपोर्ट के होती थी यार आज क्या बनाऊंगा आज मैं क्या करूंगा और मैं आपको एक और बड़े मजे की बात बताऊं जिस वक्त मुझे कोई नहीं देखता था ना आप मेरी उस वक्त की वीडियोस देखें आप कहेंगे यार ला ये बंदा क्या अवतार बनाने की कोशिश कर रहा था चाह क्या रहा था इतनी मेहनत करता था मैं उन उनपे एक एक शॉर्ट पे कलर ग्रेड ऐसा कर दूं तो म्यूजिक अगर डालना है तो ऐसा डाल दूं कहीं साउंड लेना है तो ऐसा ले लूं इतना ज्यादा मैं किया करता था क्योंकि मैं इसलिए कर रहा था कि मुझे करना है जब मैं वायरल हो गया जब मैं हिट हो गया अलहदुल्ला लोग देख रहे हैं अब मुझे पता है मैं कोई वीडियो डालूंगा यार कुछ नहीं मरे से मरा दो तीन लाख लोगों ने तो देख ही है ना देख ही लेनी है तो अब शायद मैं उतनी एफर्ट भी पुट नहीं करता मुझे क्योंकि अब मेरा क्या वो शिफ्ट होता जा रहा है ना कि हाँ यार मुझे अब लोग देख रहे हैं वो तो ऐसे भी देख लेंगे तो क्या जरूरत है मेहनत करने की जी बिल्कुल तो जब तक मैं खुलूस से उसी पर रहूं कि नहीं मैं इसलिए बना रहा हूं कि मुझे मजा आता है मैं अपना काम भी बहुत अच्छे से करूंगा और मैं कभी भी एक्सटर्नल किसी को ना वो नहीं करने दूंगा मैं अपनी एक्सटर्नल चीजों पर वैलिडेट नहीं करूंगा अपनी सक्सेस को या अपने काम को जी अच्छा ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि आप यानी आपने 103 वीडियोस बना डालें ये ख़ुद एक बहुत बड़ा काम है लोग दस पंद्रह बना के कहते हैं यार छोड़ो ये हमारे बस का नहीं है अच्छा वकार भाई आजकल हमारे जो पाकिस्तान में यूट्यूबर्स हैं उनको अगर कंपैरिजन करें हम बाहर के यूट्यूबर से जो यूरोप में इस वक्त काम कर रहे हैं तो क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है शो ऑफ करना चीज़ों को कि मेरे पास बंगला आ गया मेरे पास गाड़ी आ गई है बाहर हम बहुत कम देखते हैं जैसे मिस्टर बीस्ट हैं तो वो लोगों को खैराती काम बड़ा कर रहे हैं ट्यूबवेल लगा के दे रहे हैं पता नहीं गरीबों की मदद कर रहे हैं उन चीज़ों को वो ज़्यादा उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं तो ये हमारे यहाँ जो हर चीज़ दिखाना पे कॉन्टेंट बन गया है इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए कि ये कैसे कम होगा कि हम जो है ना लोगों की पर्सनल लाइफ भी दिखा रहे हैं उसको भी उछाल के बाहर लेके आ रहे हैं तो ये थोड़ा देखें पाकिस्तान तो अभी बेगैरती में बहुत पीछे है जो आपने जैसे बाहर आपने एक मिस्टर बीस्ट का नाम लिया मैं आपको बीसीओ ऐसे नाम बताऊं जो पूरे पूरे फैमिली व्लॉग्स कर रहे हैं अपनी फैमिलियां दिखा रहे हैं अपने यहाँ तो चलो फिर बड़े लोग ऐसे मुसलमान नहीं, नहीं।, नहीं है ना वो मुस्लिम सोसाइटी नहीं है हाँ चल, हाँ आपका ये सवाल फिर हो सकता है लेकिन अगर आप कंपेयर करें फिर भी उनसे बहुत बेहतर है अभी जो हमारी यूट्यूब कम्युनिटी या फिर जो हमारे कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं हम लोगों को क्योंकि जाहिर सी बात है कल्चरल शौक लगा है असल में बात यह कि बाहर तो एक चीज़ होते 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 होती है ठीक है हमारे क्या होता है हम तो हमको तो एक दफा बस उस चीज़ से एक्सपोज होना होता है हुई भी तो सब होती है तो वो कल्चरल शौक जो आता है ना अचानक से जो चीजें चेंज होती हैं क्योंकि हम वक्त के साथ तो वर्णन हमने सीखा ही नहीं है बिल्कुल हमने तो ये देखा है जब एक चीज मुंह पे आ जाएगी ना कहीं बाहर फिर हम उसको अपनाएंगे फिर हम उसको करेंगे कि भाई अब अब ये करना है ठीक है ना तो इस वजह से हमको बड़ा शौक लगता है वरना ऐसा है नहीं अगर आप बाहर देखें अगर आप बाहर ममालिक की बात करें तो वहाँ पे बहुत घटिया कंटेंट भी बन रहा है लेकिन मसला है कि वो नंबर इतना ज्यादा है कि हमें नजर नहीं आता हमें हमारे पास वहाँ ना चॉइस है देखने की कि हम अच्छे भी पिक कर सकते हैं हम बुरे भी पिक कर सकते हैं यहाँ मसला है कि नंबर है बहुत कम इतने यूट्यूबर्स ही नहीं है इतने हमारे पास कंटेंट क्रिएटर्स हैं ही नहीं अभी तो जाहिर सी बात है जो भी नज़र आ रहा है ना वो बड़ी जोर से नजर आ रहा है अच्छा इसका एक जो साइड इफेक्ट पड़ता है ना वो ये पड़ता है कि जो नीचे का जो आदमी है ना बेचारा को गरीब है मिडिल क्लास का आदमी है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है कि यार इसके पास ये गाड़ी इसकी ना कोई तालीम है ना कोई डिग्री है तो वो ना परेशान सा हो जाता है बाहर हाँ। तो ये चीज़ है नहीं हमारे सोसाइटी का हाँ। ये थोड़ा सा मसला है हाँ बिल्कुल आप सही कहें देखें अः अगेन बात यह है कि मैं आपको हरगिज भी डिफेंड नहीं करने दूंगा बाहर के लोगों को कि हरगिज भी आपको क्योंकि वहां पे जितना डिप्रेशन है वो सब कुछ है वो हमसे कहीं ज्यादा है बिल्कुल ज्यादा है कहीं ज्यादा मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ मसला है कि हम नेगेटिविटी को ना बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं सही बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है मतलब मैं डिनाई नहीं कर रहा कि यहाँ नहीं है मैं ये नहीं कह रहा लेकिन आप कंपेयर नहीं कर सकते अगर आप कंपेयर करेंगे तो हम उनसे अच्छे ही निकलेंगे आप कंपेयर करेंगे तो हम उनसे कहीं ना कहीं बेहतर अच्छा, मैंने बाज का लफ्ज लगाया सब आ, नहीं आप जैसे लोग भी हैं एग्जैक्टली exactly. तो बिल्... वही ना छोड़े ना बास को हम उन, उन, उनकी बात कर लेते ना हुँ. जो अच्छा कर रहे हैं आए उस पर बात करते हैं ठीक है ना ये जो क्योंकि मैं, मैं इस डिस्कशन में इसलिए नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि उससे इस हमारी डिस्कशन से ना उसको कोई फायदा पहुंचनी नहीं हाँ। है जिसने करना है वो तो करेगा वो मेरी पॉडकास्ट पॉडकास्ट देख देख के आपकी देख के आपकी आज से ही नहीं सोचेगा अरे भाई मैं तो ये सब छोड़ रहा हूँ उसको करने आए उनको हाईलाइट करते हैं उनके बारे में बात करते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं जी बिल्कुल ठीक है ना तो ये है बाकी आपका जो कंसर्न है वो बाकी है ऐसा लेकिन मैं मैं कहता हूं कि जब किसी चीज को आपने नॉर्मलाइज़ करना हो ना या तो उसके यानी कि जब सॉरी मैं ही कहना चाह रहा हूँ कि जब किसी चीज को आप चाहते हैं परवान ना चढ़े तो उसको डिस्कस ही ना करें ठीक है ना वो उसी पे तो फीड करते हैं कि जब उनको पता चलता है कि यार इसके बारे में तो पॉडकास्टें हो रही हैं इसके बारे में तो वहां भी बात हो रही है यही करो ताकि लोगों की नजरों में आओ इग्नोर ठीक है अपना काम करें अपना काम सक भाई आप अच्छा काम करें आप अपनी लकीर बड़ी करने की कोशिश करें बजाय इसके कि हम अपने कीमती वक्त में बैठ के उनकी लकीरों को मिटाने की कोशिश करें आप अपनी लकीर बड़ी करें वो जो काम कर रहे हैं अल्लाह उनमें बरकत दे अल्लाह उनको हिदायत दे अगर वो गलत कर रहे हैं और अगर अच्छा कर रहे हैं तो बरकत दे ठीक है मकर ये बताइएगा कि जो लोग सीखना चाहते हैं इस फील्ड में फ्री में आना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ आपके पास टिप्स हों एडिटिंग के हवाले से या व्लॉगिंग के हवाले से छोटे बच्चे हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं खासतौर पे कोई एक मैसेज पैगाम उनके हवाले से देखें आ, अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं देखें मेरा तो बहुत हादसाती कोई बच्चा जो इस चीज के अंदर आना चाह रहा है सबसे अच्छी और बेहतरीन बात है वो उस दौर में पैदा हुआ है जहाँ उसकी आवाज को कोई रोक नहीं सकता वो सोशल मीडिया पे है तो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि सबसे पहले तो मे जो काम करना है ना प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिखाओ ठीक है आप मेरे पास अगर कोई आपके पास आ, मैं आता हूँ काम के लिए आप कहेंगे यार वकार भाई सब ठीक है किया हुआ क्या है दिखा तो दें थोड़ा ठीक है मैं आपको रख भी लेता हूँ सब कुछ आपको बिजनेस भी देता हूँ आप बताएं तो आपने कुछ किया है मसला ये कि यहाँ पे लोग कोर्सेस करते हैं सीखते हैं खुद कुछ नहीं करते और फिर वो चाहते हैं कि वो बैठ जाए और लोग उनको आके काम पेश करें ऐसा नहीं होता ठीक है ठीक है पहले जब मैं जब मैं फेमस नहीं था या मशहूर नहीं था तो मेरे पास भी ऐसे कोई काम नहीं आता था ठीक है एक दफा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिया ना लोगों को कहानियां सुनाई उसके अंदर अपनी एडिटिंग दिखाई लोगों को उन कहानियों के अंदर बड़ी जिसे कहते हैं ना सबलिमिनल तौर पर मैसेज दिया कि मैं क्या काम करता हूं आज तक मैंने अपनी किसी भी काम की पोस्ट नहीं डाली कि मैं अगर कोई कॉर्पोरेट मैं किस किस ब्रांड के साथ किस किस कंपनी के साथ पाकिस्तान में अलहमदुल्ला काम नहीं कर चुका कभी भी मैंने नहीं बताया मैं इसके साथ करता हूं उसके साथ करता हूं सिर्फ अपनी कहानियों के जरिए मैं तो बहुत सटल तरीके से बताता हूँ कि मैं वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ मैं क्या कहते हैं कॉर्पोरेट भी शूट करता हूं। उसी से इतना काम आ जाता है कि कभी जरूरत नहीं पड़ती बिल्कुल तो मेरा बस कहने का मकसद है वो ये कि आप अगर कि, अपने किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं ना वर्ल्ड इज योर यन अब आपके पास पूरी दुनिया है दिखाने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर आए और वहां पे अपना काम पोस्ट करें और रेलिवेंट बंदों तक पहुंच के उनको अपना काम देखा है इन आपको जरूर काम मिल जाएगा अच्छा लोग अपना जैसे आप कह रहे हैं इस हवाले से जाहिर है कि लोगों के पास ना तो प्रोफाइल होता है ना कोई पीछे को काम किया हुआ होता है और चाहते हैं कि शॉर्ट कट कट में ना पैसा आ जाए अच्छा ये भी बड़ी एक सोच है वकार भाई कि सोशल मीडिया के थ्रू जल्दी से पैसे कमाने इसका कोई मेरे ख्याल से रास्ता है नहीं वो ऐसा जब तक यही वाली बात जो मैं पहले समझ आपको कह रहा था ना वो नहीं समझेंगे लोग कि पैसा हमेशा बाय प्रोडक्ट होता है कोई नहीं बैठा हुआ ब्रीफ केस लेके डॉलर्स के के, के भाई ये ये हजरत आ गए हैं अब इनको बस इन्होंने आज इंटर फेसबुक खोल लिया इनको हमने डॉलर्स भेजना है ऐसा नहीं होता यू हैव टू डू समथिंग ना कुछ तो करो कुछ तो करो और ऐसा करो और दूसरी बात ये कि हमारे पता है क्या मुझसे जैसे एक सवाल होता है कि यार वो गूगल पे जब हम कैप करते हैं तो वो हमें पैसे वो खुद देते हैं कहां से देते हैं ये देते हैं मैं कह रहा हूँ क्या वो चैरिटी खोल के बैठे हैं ठीक है आपने कभी ये सोचा कि मैं गूगल को क्या दे रहा हूँ लोग ऐसे ही एडसन से पैसे कैसे बनाए वैसे पैसे बनाए भूल जाओ आप हमेशा जब भी आप किसी चीज से पैसे बनाने का सोचो ना सबसे पहले यह सोचो कि जिससे मैं पैसे बना रहा हूं उसको मैं क्या दे रहा हूं हुँ. पैसे कोई मुझे क्यों देगा भाई कोई भी नहीं देता ना कुछ तो कर रूंगा ना मैं तो मुझे पैसे मिलेंगे तो हम उस पर हम सिर्फ इस पर मतलब आपने कंटेंट शुरू नहीं की। आपने अभी, अभी आपको सोनी कैमरा चाहिए वो हाँ। वो तो एक अलग है अभी आपने फोन उठाया यूं करके वो मुझसे ये पूछ रहे हैं पैसे कितने थ्रेश पे बनेंगे और कितने डॉलर आएंगे डॉलर बैंक से कैसे निकलवाने अरे भाई अल्लाह का नाम लो शुरू तो करो मौजूद है कि हाँ मिलते हैं पैसे लेकिन उसकी तुम्हारी स्टेज ही नहीं अभी बिल्कुल। अभी बिल्कुल काम तो शुरू करो तो बात यह कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा के ऊपर है पांच हाँ, तो के बाद ही आएगा ना। आप जीरो से कहते हैं डायरेक्ट नाइन तो ये है तो मैं ये कहता हूँ कि भाई मेहनत पे जरा ध्यान दें अपनी लोगों के डायरेक्शन की भी कमी है ये भी एक बार मसला है लेकिन अपने ना सवालत को चेंज करना पड़ेगा लोगों को वो ये ना सोचे कि मैं पैसे कैसे कमाऊं आप ये सोचें कि मैं किसी की जिंदगी में राहत कैसे पैदा करूं कि वो मुझे पैसे दे बिल्कुल ठीक है ना पैसा सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट का होता है ठीक है ना मैं आपका कोई काम करूंगा कोई टेंशन आपकी रिलीज करूंगा कोई आपका क्या कहते हैं कोई ऐसी प्रोडक्ट दूंगा जिससे आपका कोई मसला हल हो रहा होगा आप तभी मुझे पैसे दोगे ना बिल्कुल कि जब आप किसी का मसला सॉल्व करोगे तो आपको पैसे देगा। बिल्कुल। हमारा सवाल ही गलत है हमारे पोस्टर ही गलत है महीने के दस हजार कमाए महीने के पचास हजार कमाए तो वो बंदा किसी की जिंदगी में राहत पैदा करने आई नहीं रहा वो तो आई इसीलिए मैं कमा लूँ बिल्कुल तो ठीक है ये मसला है बकार भी किन किन मुल्कों का सफर हुआ और वहाँ पर क्या क्या काम किया आपने माशाला काम के सिलसिले में जाना होता है या वैसे भी आप विजिट के लिए आपको मैं मोस्टली घूमने जाता हूँ अच्छा आ, मेरा आ, मलेशिया जा चुका हूँ मैं थाईलैंड जा चुका हूँ फिर मेरा चक्कर दुबई लगा फिर मैं सऊदी गया फिर मैं तुर्की गया बैंकॉक बैंकॉक फिर वो वो था वो तो फिर तो वहाँ मेरा ये दो तीन दफा जाना हुआ है काम के सिलसिले में क्योंकि मोस्टली शूट्स जो होती हैं वो थाईलैंड में होती हैं तो उसके लिए मुझे वहां जाना पड़ता है ठीक है तो शूट्स आप यानी वो वहाँ शूट करना क्यों ज़रूरी होता है कोई लोकेशन की को चीज़ होती है या यार बड़ी आ, अफसोस से बात कहना पड़ रही है कि हमारे पाकिस्तानी जो यहाँ के पढ़े लिखे भी लोग हैं वो बेचारे बड़ी कोशिश करते हैं कि काम पाकिस्तान में आए अच्छा ठीक है वो बड़ी कोशिश करते हैं अब मैं आ, मेरे एक दोस्त हैं वो इस वो पहले पाकिस्तान में काम करते थे एक मल्टानेशनल कंपनी में अब वो दुबई चले गए ठीक है वहां पे भी वो एक मल्टा बड़ी मल्टा नेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं और उन्होंने वहां जाके देखा कि जितना भी काम है क्योंकि वहां माशाल्लाह इंडियंस की तादाद बहुत ज्यादा है तो वो इंडिया में काफ़ी काम जा रहा है तो उनो, हाँ उन्होंने कहा कि भाई ये पाकिस्तान में भी जाना चाहिए ठीक है तो उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान के लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू किया बाहर सही कि भाई ये भी यहाँ पे काम कर रहे हैं आप इनसे भी काम करवाइए वो और उन्होंने माशा काफ़ी काम मैं ये नहीं कह रहा इलीगली या फिर एक्स्ट्रा फेवर देके काम उन्होंने वही लेना है जो उन्होंने इंडिया से भी लेना है दूसरे मालिक से भी लेना है लेकिन उन्होंने पॉइंट किया कि यार पाकिस्तान भी एक मार्केट है आप चेक करें अब होता क्या है कि उन्होंने ना कर कर करा के एक शूट पाकिस्तान में रखवा दी उन्होंने कहा कि यार हम एक शूट जो है अब वो बाहर का ब्रांड है ठीक है मतलब वो इंग्लैंड का ब्रांड है और वो एक बड़ी कंपनी है उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में शूट रख लेते हैं अब हमारी इसमें बदकिस्मती कह लें या क्या कह लें यहां पे शूट हुआ मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं आ रहा लेकिन पहिया जाम यहां पे वो हो गया हालात खराब ठीक है बुरी तरीके से हालात खराब तो यहां पे आधी टीम लैंड हो चुकी थी पाकिस्तान में शूट करने के लिए और अगर वो हो आ जाता है यहां पे तकरीबन वो कोई पांच छह लाख डॉलर का प्रोजेक्ट था सोचे तीन दिन के अंदर ये कमाई होनी थी पाकिस्तानियों हो में आधी टीम लैंड कर गई वहां से कुछ एक्टर्स वगैरह आने थे सऊदी अरब से सऊदी ने अपने सिटीजन को रोक दिया पाकिस्तान नहीं जा सकते अब वो क्योंकि हालात खराब थे ऐसा नहीं है कि अल्लाह ना करे कोई उनको हमसे मसला है कुछ नहीं हालात ऐसे थे वो जाहिर सी बात है हमारे मुल्क में शायद ऐसा ना होता लेकिन दूसरे ममालिक वगैरह बड़ा ख्याल करती है तो अपने, देग शहरी तो अपने शहरी का वो क्या करें अपने शहरियों का ख्याल रखती है कि भाई वहां गया अल्लाह ना करे फंस गया कुछ हो गया क्या होगा उन्होंने पाकिस्तान आने से रोक दिया पूरी शूट जो पाकिस्तान में होनी थी तीन दिन के अंदर यहाँ से बैंकॉक शिफ्ट हो गई जो पैसा यहां आना था जो टीम्स यहाँ की होनी थी जो यहाँ पे लोगों को इंगेज होना था खत्म हो गया तो फिर उस वजह से फिर जो कुछ लोग यहाँ के थे फिर हम उठ के वहाँ गए हमने बैंकॉक वगैरह में शूट किया देखें मसला यहाँ पे ना ये दो चार मसले हैं जिनको अगर सॉल्व कर लिया जाए जिसमें नंबर वन है सिक्योरिटी ठीक है मैं किसी को मैं अमेरिका से बुला लूं किसी को और ऐसे ही घूमता है घूमता फिर रहा हूं मुझे कोई टेंशन नहीं हो कुछ भी नहीं हो जैसे कि मैं दूसरे मालिक में जाके घूम रहा हूं तो, देखे ना वो तो अब क्या मतलब गोली मार दी दिस अनसर्टेनिटी तो अब एक बात बताए ना वो बंदा जो बेचारा दुबई से बैठ के पाकिस्तान काम भेजने की कोशिश कर रहा है वो इतना बड़ा रिस्क थोड़ी लेगा कि किसी की जान पे अल्लाह ना करे कुछ हो जाए वो बोलेंगे भाई तुझे भी दुनिया में और कोई मुल्क नहीं मिला था तो उन्हें पाकिस्तान भेज दिया इतनी बड़ी कंपनी है सब कुछ है पूरी दुनिया में कहीं जा सकते थे यहाँ क्यों तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सही होना पड़ेगा मैं कहता हूँ कि हम लोग इतने तरह के टैक्स देते हैं सब कुछ है भाई एक और गवर्नमेंट ना नया टैक्स निकाले आज मैं आपकी पॉडकास्ट के ऊपर गवर्नमेंट को एक टैक्स लगाने की बात करता हूँ मैं कहता हूँ वो हर घर से ना हर घर से एक हर घर से टैक्स ले नया टैक्स बिजली के बिल में लगा के भेजें लेकिन उसके बाद वो सिक्योरिटी ऐसी दें कि अल्लाह ना करे अगर किसी के साथ चोरी हुई या डकैती हुई कुछ हुआ तो वो पूरा गवर्नमेंट भरे पूरा का पूरा भरे तो फिर जाहिर सी बात है मशीनरी भी हरकत में आएगी सब कुछ होगा सिर्फ और सिर्फ आप सिक्योरिटी अगर प्रोवाइड करने लग जाए ना यहां पे आज मैं कहीं शूट करने के लिए बाहर निकलता हूं आप यकीन करें शूट से ज्यादा ध्यान यू होता है ये ये बाइक वाला क्यों गुजर गया ये पहले गया था वापस क्यों आ गया क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ एक दफा गन रखनी है और कहानी खत्म आपके माइंड में जो चल रहा होता है, होता है है स्क्रिप्ट चीजें वो तो सारी गई साइड पे सब खत्म हो गई ठीक है ना तो ये वजह है सबसे बड़ी बाहर काम जाने की कि मेंटल मेंटल पीस है कि यार कुछ भी हो हालात यानी कि वहां पे अच्छा अब जब हम कर रहे थे कोई मजे की बात यह कि कराची बहुत अच्छा था उस शूट के लिए बेहतरीन हम वहाँ गए ऐसी बारिश हो रही ऐसी बारिश हो रही दो दिन के हद से ज्यादा लेकिन बारिश तो कंट्रोल की जा सकती है ना उन्होंने उसको कंट्रोल कर कर आगे शूट कर ली लेकिन गोलियां कैसे कंट्रोल करें यह कैसे कंट्रोल करें यह चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है जिसकी वजह से काम बाहर जाता है और दूसरी बात यह कि जो इतनी हमारे यहां एक और चीज और हो गई है कि पाकिस्तानियों को इसलिए इतना ज्यादा काम नहीं मिल पाता हमारे ना केस बहुत फैला दिया है बहुत ज्यादा जो मार्केट में अनसर्टेनिटी है ना अब आप ये देखें वो अभी मैंने सुन रहा था वो जो इटली में कोई कश्ती डूबी थी डंकी मारते हुए उसके अंदर डॉक्टर्स थे पाकिस्तान के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान और मुझे नहीं पता मुझे खैर कैलिबर नहीं पता उनका लेकिन एक बंदा जो तो डॉक्टर बन गया वो डंकी मार के बाहर निकलने पे वो तुला हुआ है सारा सेट का मसला एग्जैक्टली exactly, जो माइंड सेट जो कॉस फैला दिया गया है ना पाकिस्तान के अंदर कि भाई यहाँ तो अब कुछ बचा ही नहीं कुछ है ही नहीं सब खत्म हो गया भाई आप भी तो बैठे हुए हैं ना बिल्कुल मैं भी बैठा हुआ और मैं अपने जैसे माशाल्लाह सैकड़ों दिखा सकता हूँ कि अल्लाह का नाम लेकर थोड़ा सा जिगर बड़ा करके हम काम कर ही रहे तो इस तो यहाँ का इसलिए बड़ी तेजी से ब्रेन ड्रेन हो रहा है कि लोग भाग रहे उनको बस ये बता दिया कि पाकिस्तान में तो मर जाओगे कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पे तो एक और मजीद ये वजह है कि हम लोग ना बहुत उगतान ही गए डर गए मुल्क से अपने जो कि राइटफुली है डरना भी चाहिए लेकिन थोड़ा बहुत यानी कि थोड़ा तो किसी ना किसी को वो दिखानी पड़ेगी ना कि यार वो कहे नहीं यार इन रहेंगे हम करेंगे कुछ बेहतर बेहतर भी तो हम ही नहीं कर रहे ये ये नहीं सोचते वो कहते हैं कि और सही बात है वो कहेंगे यार लोगों को यही ख्याल आता है ना कि भाई अपनी जिंदगी बेहतर कर ले हम बाहर चले जाते हैं तो ये वाली भी एक चीज है इसके अंदर अच्छा बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं बहुत सारे लोग जा मेरे सारे दोस्त चले गए अकेला बचा बचाओ मैं यहाँ आपको भी कहते होंगे क्या आप अरे बस क्या बताओ बहुत ज्यादा बहुत हद से ज्यादा लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि यार फिर मैं एक और चीज़ सोचता हूँ क्योंकि हमारे बड़े बड़ों ने भी ये के वो हम सोचते हैं कि यार अगर वो उस वक्त चले जाते तो अच्छा होता मेरे भी दिमाग में कभी ख्याल आता है कि मैं चले आगे वाले मुझे तो गालियां मत दें कि यार ये चले ही जाते तो बेहतर होता क्योंकि मेरे तो सारे दोस्त बाहर आगे सेट हो गए पासपोर्ट्स ले लिए और अलहमद सेट हैं जॉब्स हो गई शादियां हो गई वो सब कुछ अलहमद बाहर कर रहे हैं आप नहीं सोचा यही मेरा नहीं है जाने का मुझे मुझे जरा ये है कि ओल्ड स्कूल कह लें इस मामले में लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि यार इस मुल्क ने बहुत इज्जत दी है बहुत दी है बहुत दिया है और सबसे अच्छी बात मैं एक ये कहता हूँ कि जहाँ बाहर मुल्क जाने के बहुत फायदे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा फायदा जो है ना सबसे बड़ा फायदा ये कि यहाँ पे ना अभी हम लोग पूरी दुनिया से कोई सौ साल पीछे चल रहे हैं सही है कोई सौ पचास साल हम दुनिया से पीछे हैं तो यहाँ पे करने को बहुत कुछ है बहुत कुछ है करने को क्योंकि अभी तो इतनी सारी चीज़ें जो बनी बनाई हैं जो अभी यहाँ आई नहीं है यहाँ पहुंची ही नहीं है एक कैमरे का मैं एक छोटा सा पीस देख रहा था बीस डॉलर का यकीन करें पूरा पाकिस्तान छान लिया वो नहीं मिला इतना सा एक पीस था वो उसके अंदर वो उसमें लगता है रिकॉर्ड क्या कहते हैं माइक्रोफोन की तरह लगता है तो सोचा इतनी बेसिक चीजें अभी पाकिस्तान में आई नहीं है ये तो मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ तो कितनी सर्विसेज पाकिस्तान में आई तो बहुत अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में इस वक्त काम करने की तो अगर कोई दिल बड़ा करके यहाँ पे काम करता रहे ना तो वो यहाँ बहुत बहुत कमाएगा बिल्कुल डिमांड जब ज्यादा हो तो जाहिर है अगर आप उसको आप उसको अगर ओन कर रहे हैं तो सारे मार्केट आपके पास ही ऐसे ही आ ऐसे बिल्कुल आप दिल से दिल काम करें लोगों के मसले मसाइल हल करें धोखा दही ना करें किसी का पैसा ना खाएं आप देखें आपके पास काम ही काम है पाकिस्तान में भी कोई काम थोड़ी माशाल्लाह अगर भी स्टोरी टेलिंग के ऊपर अगेन आएंगे थोड़ा सा उसके हवाले से बताइए कि क्या करें लोग अगर कोई इसमें आना चाहता है काम करना चाहता है उसको बेसिक कैसे शुरू करना है अपनी बात को कैसे और खूबसूरत बनाना सबसे पहले तो देखें मैं अगर किसी को स्टोरी टेलिंग का शौक है सबसे पहले तो अपने को बहुत करें ठीक है जब तक आपके पास अल्फाजों का जखीरा नहीं होगा जब तक आपके पास जुमले नहीं होंगे जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी सिचुएशन के अंदर क्या बात की जा सकती है तब तक आप खुद एक मौसर कहानी नहीं सुना सकते बिल्कुल ठीक है तो मैं सबसे पहले लोग जैसे लोग कहते ना कि हमें कहानियां सुनानी है कहानियां सुनानी तो मैं पूछता हूँ कि आपने पढ़ी कितनी है ठीक है अगर आपको एक फिल्म बनानी है तो आप पहले सौ फिल्में देखेंगे ना तब जाके आप एक फिल्म बनाने की कोशिश करेंगे आपने एक किताब लिखनी है आप सौ किताबें पढ़ेंगे उसके बाद जाके आप एक किताब लिखने की करेंगे कि आपको पता चलेगा ना कैसे होता है तो कहानी सुनाने को लोगों को लगता है कि ये तो हर कोई सुना सकता है ये तो कोई भी कर सकता है कर सकता है गॉड गिफ्टेड है तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कुछ लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं लेकिन अगर आपको कोई काम सीखना है तो सबसे पहले तो अपने मुताले को बहुत वसी करना हो ठीक है और उसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ आप शुरुआत करें हमदर्द नौनेहाल और इश्तियाक अहमद के नावल्स से ठीक है आपने इश्तक अहमद के नावल्स जबरदस्त ठीक है कमाल तो अगर आप इश्तिया अहमद के नावल्स से क्योंकि मैंने वहां से शुरू किया था मैंने इश्तियाक अहमद के नावल्स पढ़ना शुरू किए तो फिर मुझे क्योंकि देखिए कहानी सुनाना एक ऐसा आर्ट है जिसके अंदर ना दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल ग्राफिक कार्ड चलता है और वो है आपका दिमाग ठीक है क्योंकि मैं आपको कोई कहानी सुना रहा हूं ना आप अपने दिमाग में उसको रेंडर करते जा रहे होते हैं वो आपके दिमाग में बनती जा रही होती है मैं कहूँ कि अभी मैं रोड से जा रहा था अचानक सामने से बिल्ली आ गई आपने गाड़ी भी इमेजिन की आपने बिल्ली भी इमेजिन की बिल्कुल ठीक है ना तो इसको जब तक ये और ये तो अभी आप व्यूअर हैं ठीक है ना यानी कि आप अभी लिसनर हैं तो आपको हो रही है ये चीज क्रिएट कैसे करें यानी कि अगर मैं हूं अगर मैं कोई कहानी सुनाता हूं तो उसको पहले मैं अपने दिमाग में पूरा एक यूनिवर्स बनाता हूं ना उसकी पहले मैं बनाता हूं कि मैं यहां से निकला पहले मैं इमेजिन करता हूं उस चीज को बस मंजर पूरा हाँ, हाँ पहले जब मैं उसको इमेजिन करता हूं फिर मैं ये सोचता हूं कि ये मैं कैसे बताऊं कि अगले के जहन में भी एग्जैक्ट वही पिक्चर बने जिस पिक्चर को मैं दिखाना चाह रहा हूं बिल्कुल ठीक है ना तो ये एम ही थोड़ी ना आ जाएगा ठीक है क्योंकि अगर मुझे नहीं पता कहानी कैसे कह सुना तो मैं ऐसी सुनाना शुरू कर दूंगा कहानी मैं इस चीज पे ध्यान ही नहीं दूंगा कि अगले के दिमाग के अंदर मैंने पहले वो क्रिएट कैसे करना है पूरा सिनेरियो जिसके बाद वो जाए तो वो किस तरह आता है वो मुतालने से आता है जब आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं नॉवेल्स पढ़ते हैं अब हम इश्ताक अहमद के नॉवेल पढ़ते थे पूरी दुनिया दिमाग के अंदर बनी हुई थी कि शुमाली सड़क पे ये है वहां पे और जनूबी सड़क के ऊपर ये वाला शहर निकलता है वो मरकजी इलाके में रहते हैं शहर के तो वो पूरी दुनिया इश्ताक अहमद ने हमारे दिमाग के अंदर बनाई इंस्पेक्ट उनके जो कैरेक्टर्स थे इंस्पेक्टर जमशेद महमूद फारूक फरजाना महमूद ऐसा दिखता हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा दिमाग में है महमूद ऐसा दिखता होगा फारूक ऐसा दिखता होगा फरजाना ऐसी दिखती होगी ये उनके कैरेक्टर्स के नेम है तो ये आप जब तक अगले के दिमाग में नहीं बना सकेंगे जब तक आपको खुद किसी ने आपके दिमाग में ये, ये चीज ना की हो बिल्कुल तो मुताला बड़ा जरूरी है अगर किसी को शुरू करना है ना वो ये इस, इस सवाल का पहले जवाब दे कि उसने कितनी पढ़ी है सही फिर उसके बाद ये ध्यान और फिर खैर उसके बाद जैसे तो अगर यानी कि ये तो मुश्किल ही कोई करे लेकिन अगर फिर भी वो बजे दे तो बगैर करे करना है तो मैं कहूँगा रील्स बनाना शुरू करें ठीक है ठीक है आप रील्स बनाएं और कोई भी छोटी चीज उठा लें कि आज मैं जामत तो और रशीद आया इसके ऊपर मैं कहानी बना लेता हूँ अच्छा मैं घर से निकला घर से निकला उसके बाद में टूल प्लाजा वो लियारी एक्सप्रेस वे पे चढ़ा फिर मैं यूं गया तो उसको सिक्वेंस बनाना शुरू करे चीजों की सही अपने दिमाग में यानी डिटेल में एक एक चीज को आपने बताना हाँ। है बिल्कुल सीक्वेंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कहानी के अंदर कौन सी चीज बतानी है कौन सी नहीं बतानी सही ठीक है अब अगर मैं किसी को जामत रशीद आने की कहानी सुनाऊं तो शायद मैं ये ना बताऊं कि मैंने जब वो तीस रुपए क्या कहते हैं टूल प्लाजा वाले को दिया तो उसने कौन से रंग की शर्ट पहनी हुई थी डजेंट मैटर इनफैक्ट ये भी मैटर नहीं करता कि मैं ये बताऊं कि मैंने उसको पैसे दिए या कुछ ठीक है तो ये भी बहुत जरूरी है कौन सी देनी है कौन सी नहीं देनी है। इसके ऊपर मेरा पूरा एक डिटेल में स्टोरी का कोर्स है 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 वो अभी आने वाला है, ठीक उसपे मैं काम कर रहा हूँ तो इनशाला जब वो आएगा तो मैं आपको उस पर जरूर बताऊंगा तो वो जरूर आप बताइएगा लोगों को बहुत काम आएगा इन और दूसरा प्लॉट उसका मर्कजी वो भी होता है आपको एक कहानी दुनिया की अगर किसी भी चीज के अंदर अगर एक कहानी देखी जाए ना तो वो तीन सेकंड से ज्यादा की नहीं होती दुनिया की हर कहानी तीन से पांच सेकंड की होती है इससे ज्यादा की नहीं होती ठीक अच्छा। है अब आप कहेंगे यार तीन से पांच सेकंड की कहानी ये क्या अब जैसे मैं आपको कहूं कि अल्लाह ना करे हम जैसे यहां बैठे हुए तो होता यह कि ये लाइट जो है ना वो ठक करके यहाँ आके गिर जाती है आप अगर किसी को कहानी सुनाएंगे तो आप कैसे किस चीज की कहानी सुना रहे हैं कि लाइट गिर गई थी जी जी इस लाइट को गिरने में कितना टाइम लगा

हुआ कैसे हाँ। और होने के बाद क्या, क्या हुआ ठीक है ठीक है यही एक कहानी की निशानी है सही कि वो शुरू कहां से करनी है खत्म कहाँ करनी है अब हम शुरू पता है कहां से करेंगे हम शुरू वहां से करेंगे जहां से ये गिरना गिरने की इसकी चाल बनना शुरू हुई हुआ क्या कि हमारे जो कैमरामैन भाई थे वो आए उन्होंने जल्दी से जब लाइट लगाई ना तो इसके नीचे कोई एक स्लाइड रख के चले गए वो ठीक है जो कि नहीं होनी चाहिए थी जिसकी ऐसे झुकी हुई थी अब कहानी कहां से शुरू हुई यार वो जल्दी में हम लोगों को शूट करनी थी क्या कहते हैं वो गेस्ट को निकलना था हाँ। तो वो आया उसने जब रखी ना लाइट हाँ। तो वो एक एक स्लोप पे आके उसने रख दी तो हाँ। उससे क्या हुआ कि वो टेढ़ी रही हम उसका रीजन बताएंगे पूरा हाँ, हाँ। अब हम कहा जा रहे हैं अब हम बता रहे हैं वो कैसे गिरी ठीक है उसके बाद मैं बात कर रहा था अब कोई बात अच्छी लगी मैंने ऐसे हाथ किया वाह क्या बात किया हल्का सा मेरा टच हुआ लाइट नीचे बिल्कुल ठीक है तो अब हमने कहां से कहानी शुरू की जहां से उसके गिरने की सिचुएशन बनना शुरू हुई सही ठीक है और कहां तक बताई वो गिर गई फिर क्या हुआ लगी तो नहीं हाँ यार लाइट के तो उड़ गए ऐसी की तैसी हो गई उसकी लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है सब बच गया कहानी खत्म ठीक है ठीक है तो अब आप दुनिया की किसी भी चीज को उठा के देख लें किसी भी चीज को जब एक छोटे सी चीज को आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो वो तीन से पांच सेकंड की होती है बस फिर उसको बनाना ये बताना कि कहां से शुरू करनी है ये होता, ये होता है असल कहानी ये होता है असल आर्ट कि यार ये कहान... कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो शुरू होती हैं पांच मिनट पहले से ठीक है कुछ कहानियां होती हैं आधे घंटे पहले शुरू होती हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लाइट की कुछ कहानियां होती हैं जो सौ साल पहले से शुरू होती हैं कुछ कहानियां होती हैं जो उससे भी ज्यादा हजार साल पहले से शुरू होती हैं बिल्कुल अब हमने ये डिसाइड करना है कि कौन सी चीज बतानी है कौन सी नहीं बतानी लेकिन अगर वो हजार साल पहले जो तो कहानी शुरू हुई थी अगर उसका ओरिजिन नहीं बताया तो वो कहानी आज समझ नहीं कि जैसे फर्ज करें आप यहाँ पे इधर गड्ढा खोदना शुरू करते हैं और नीचे से इसके एक वो निकलता है बड़ा सा संदूक और उसके अंदर से अशरफियाँ निकल आती हैं ठीक है इस कहानी को ढूंढने हम कितना पीछे जाएंगे कि ये गई कैसे अंदर यहाँ था कौन कौन सा बादशाह रहता था कौन सा जब वो हिंदुओं ने सॉरी हिंदू कह रहा नाम जैसे कि जब अंग्रेजों ने जब यहाँ पे हमला किया जब इसको कैप्चर करना शुरू किया तो कौन सा राजा रहता था जिसने यहां दबाया ये बिल्कुल सही अब हम जा रहे हैं कितने पीछे 300-400 साल पहले जब वो गद वाला टाइम था जब क्या कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह आई थी ठीक है हालांकि निकला कितनी देर में कि हम जैसे ये एक कुदाल मारी उसने कहा अरे यहाँ तो सोना है ठीक है और कहानी होगी भी ऐसी तुम्हें पता है क्या हुआ वहां पे खुदाई हो रही थी वहां से सोना निकल आया इतनी सी है कहानी तो वही थी दो तीन सेकंड की सोना निकलने का जो पॉइंट है अब लोग पूछेंगे सोना आया कहां से अब उसके लिए हम पीछे जाएंगे और हमें हो सकता है हिस्ट्री में कहीं वो कहानी मिल जाए कि भाई एक था राजा और वो ये था और वो था तो बताने का मकसद ये कि कहानी तो इतने पीछे से भी शुरू हो सकती है लेकिन अब हम ये नहीं बताएंगे उसके अंदर कि राजा था वो सुबह नाश्ते में क्या खाता था वो क्या करता था सिर्फ हम इतनी बात करेंगे वो अशरफिया क्यों जमा करता था कौन सी डिटेल बतानी है कितनी बतानी है कौन सी डिटेल हर वो चीज़ बतानी है जो हमारे क्लाइमेक्स को मजबूत कर सके ठीक है ना तो ये वाली चीज़ है तो कहानी जो है वो बेसिकली होती तो तीन से पाँच सेकंड के सिर्फ ये फाइंड आउट करना होता है कहाँ से सुनाना शुरू करनी है और कहाँ ख़त्म करनी है अच्छा मदारस के जो तलबा हैं जो यहाँ अलमदिल्ला पढ़ रहे हैं तो उन वो क्या क्या इस फील्ड में आके वो क्या किस मौजू पर बना सकते हैं ख़ास तौर पर हमारे पास तो सीरत हिस्ट्री पूरा बैकग्राउंड है अलमदिल्ला उनको थोड़ा सा मोटिवेट करें ना आप देखें मैं ये कहूँगा कि रिलेटेबिलिटी पे है नबी करीम अलैहि वसल्लम का जब हम नाम लेते हैं जब हम उनकी सीरत पढ़ते हैं सब कुछ है तो वो जो है वो यानी कि उसके ऊपर हम कहते हैं कि बरह कह अल्लाह ज़बरदस्त हम उसका ना असर शायद उस तरह फ़ील नहीं कर पाते जो हमारी जिंदगियों में रिफ्लेक्ट नहीं होता बिल्कुल ठीक है मैं अपनी बात कर रहा हूँ मैं किसी को पॉइंट आउट फिगर आउट वो नहीं कर रहा कि तुम नहीं करते तुम नहीं करते मैं अपनी बात कर रहा हूँ सही ठीक है ना हम ना सुभान अल्लाह कहने वाली कौन है ठीक अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह और और इंशाल्लाह और इंशाल्लाह ये असल बात हां ठीक है हाँ। हाँ। क्यों क्योंकि मेबी आ र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में कोई कमी नहीं है बिल्कुल कोई कमी नहीं है वो एक जाम और पूरी की पूरी कंप्लीट है आज भी है वो। आज भी भी वैलिड वैलिड वो आप वसल्लम ने कहा कि ऐसा होगा तो उसके एग्जाम्पल दिखाओ ना लोगों को बच्चों जो, जो, जो की हम लोग जिंदगी में देखते हैं अब एक एक वो है आयत है इसका तर्जुमा आप कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं ज्यादा दूंगा मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा ठीक हाँ। है अब कुरान में लिखा हुआ है शुक्र करोगे मैं तुम्हें ज्यादा ये पत्थर में लकीर है ये बरहक है बिल्कुल इसके ऊपर तो दो बातें हो ही नहीं सकती ये तो मतलब अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने कह दिया बात ही खत्म हो गई ठीक है लेकिन अब अगर हम किसी को ऐसे ही बताएंगे ना ला इन शकर तुम ला अजीज ये मैं आजकल के बच्चों की यूथ की बात कर रहा हूं मैं हरगिज किसी भी उसकी बात नहीं कर रहा खामा कोई बतंगड़ बन जाए मैं एक बात कि बच्चों को अगर आपको समझाना है ना तो उसकी मिसाल दे के बताओ जी और आज के हवाले से बताए हाँ। आयत कहां फिट हाँ। होती है ठीक है हम 200 साल पुरानी कोई किताब निकाल के बताते हैं कि उस वक्त ऐसा हुआ था मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं हुआ था बिल्कुल हुआ था बिल्कुल लेकिन क्या आज का बच्चा उसको रिलेट कर सकेगा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सच है हक है, बरहक है लेकिन थोड़ा सा दिखाया अब इसके असल में मैंने इस आयत का जिक्र इसलिए किया क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक कहानी बनाई थी है। एक पूरा कहानी नहीं थी अपना मेरा किस्सा था जो कि सच्चा था जिसके अंदर मैं बताता हूँ यह था मैं अगर कहें तो आपको सुना दूंगा हाँ बिल्कुल हुआ ये मुझे ना इनबॉक्स में बहुत मैसेजेस आते हैं तो एक मैसेज आया बच्चे का वो मुझे कहने लगा कि वकार साहब कोई मरने का ना आसान तरीका बता दे अच्छा अरे मेरी तो एकदम हाथ पैर फूल गए क्या बात कर रहा है मरने का आसान तरीका मतलब इस वक्त अगर मैं इसको रिप्लाई ना करूं तो ये और डिस हार्ड होके कुछ ना उकर ले मैं इसको रूडली कोई जवाब दे दूं तो मसला मतलब मेरे लिए तो सिचुएशन बड़ी अजीब सी हो गई ना एक अगर आपसे कोई ऐसे इनबॉक्स के अंदर पूछे मुझे मरने का आसान तरीका बता दें तो समझे एक हालांकि आपका कसूर नहीं है बट देर इज अ लाइफ इट स्टेक और वो अट्ठारह उन्नीस साल का बच्चा मतलब या इससे भी छोटा होगा मतलब मैंने उसकी प्रोफाइल देखी फुल पफ निकाली भी अच्छा स्कूल का पढ़ने वाला स्कूल वगैरह का बच्चा वो लग रहा मैंने कहा यार तो फिर मैंने उससे पूछा भैया क्या हो गया खैरियत तो है कहने लगा कि मेरे पास ना वो मेरी ना अबू चाहते थे कि मैं आर्मी में जाऊँ तो मेरी परसेंटेज कम आई मैंने दोबारा एग्जाम दिया फिर से वापस से परसेंटेज कम आई सिर्फ सेवेंटी फाइव आई है अच्छा और मेरा वहाँ पे नहीं हो रहा अब मुझे जी जीने का मकसद समझ नहीं आ रहा मेरा दिल चाह रहा है मैं मर जाऊँ मैंने कहा भैया भाई पहले तो तुम बाद में मरना डूब के तो मुझे मरना चाहिए मेरी तो साठ थी हमने तो डकार भी नहीं ली बिल्कुल ठीक है ना तो इसमें मरने वाली तो फिर मैंने क्या किया फिर मैंने उसको मैंने उसको बताया मैंने मतलब फिर उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई उस वीडियो के अंदर मैंने कहा कि यार देखें जिंदगी में ना मैं आपको आज एक फार्मूला बता देता हूँ उस फार्मूले को अपने पास कहीं लिख लीजिए ये अगर करेंगे ना तो आपको हंड्रेड एंड टेन परसेंट कामयाबी मिलेगी अच्छा मतलब मैं इतना बड़ा दावा कर रहा हूँ यहाँ बैठ के कि अगर ये फार्मूला आपने इस्तेमाल कर लिया एक सौ दस फीसद कामयाबी ये चार स्टेप फॉलो कर लीजिएगा अच्छा पहला स्टेप

अपना हंड्रेड परसेंट दो बिल्कुल हंड्रेड परसेंट दो यानी कि जब खत्म कर लो ना भले वो आपने एक, क्या कहते हैं बिरयानी बनाने का सोचा था एंड में खिचड़ी बन गई वो नहीं बनी बिरयानी लेकिन आप एंड में खड़ोगे ये तो जरूर कह सकते हो यार मैंने गलत 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 ये चीजें गलत की ये नहीं कहो कि यार ये मैं ना बेहतर कर सकता था सही ये नहीं कहना जितना गिविन टाइम था उसके अंदर जो कर लिया ना कर लिया तो दूसरी चीज क्या मेहनत करो मैंने उस बच्चे को कहा था कि भाई पढ़ाई पे ध्यान दो पहले तो सोच लिया आर्मी जाने पे पढ़ाई पे पूरा ध्यान दिया अब तीसरी चीज जो कि हम अक्सर नहीं करते वो ये कि जो काम कर लिया ना जैसा भी हुआ साइड में खड़े के ना उस पर फख्र करो सही कि यार ये मैंने किया है ये काम अल्लाह ने मुझे जितनी इस्तात दी थी जितना मेरे हाथ पाँव चलते थे ये काम मैंने किया है ये हो गया आधा और आधा दूसरा चीज ना अब वो काम अल्लाह के हवाले कर दो ठीक है नतीजा अल्लाह पे नतीजा अल्लाह क्योंकि देखें मजे की बात ये कि हम दुनिया के अंदर ना किसी भी काम की हमारे पास नतीजा जो है ना वो हमारे हाथ में नहीं है पानी पीना आपके हाथ में प्यास बुझेगी बुझेगी नहीं बुझेगी, आपके हाथ में नहीं है सही खाना आप कितना अच्छा खा लें भूख मिटेगी नहीं मिटेगी अल्लाह के हाथ में बिल्कुल आप तो कर नहीं, नहीं सकते तो आपने कोई भी काम कर लिया आपने वो उसके अल्लाह के हाथ में दे दिया और उसके बाद बेफिक्र हो जाए ये हो होगा तीन स्टेप पूरे चौथा स्टेप ये है मेहनत की थी ए प्लस के लिए आ गया सी माइनस मेहनत की थी आर्मी पब्लिक आर्मी में जाने की लेकिन नहीं जा सका कुछ भी नहीं का अब है असल आपका इम्तिहान ये चौथा अगर आपने कर लिया तो, अल्लाह का शुक्र अदा करें या अल्लाह बहुत ही अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी नाकामियों पे को अल्लाह के उसमें डाल देंगे कोई आपने मेहनत ही नहीं की कुछ नहीं की जब आपने सब कुछ कर लिया ना और नहीं हुआ अब ये बात आप अपने दिमाग में डाल लें ये बात अपने दिमाग में डाल लें कि ये 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 जो हुआ, ये मेरे लिए है। ये जो हुआ हुआ मेरे मेरे लिए लिए बेहतर बेहतर है 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 और मुझे नजर नहीं आ रहा ये अल्लाह जानता है ठीक है मैंने ये पूरी बात यहां तक की उसके बाद मैंने अपना एक छोटा सा किस्सा जोड़ दिया मैं जा रहा था दुबई उस वक्त कोविड चल रहा था तो वो ना वो, वो, वो कोरोना वगैरह के टेस्ट वगैरह वो सब होते थे दुबई की मेरी फ्लाइट थी अगले दिन की भाई फुल तैयारी म्यारी में, में मैं और मेरे दोस्त जा रहे थे हमने कहा फुल तफरी करने जाएंगे हुआ ये कि मेरे दोस्त की जिस वक्त जहाज उड़ना था ना मीटिंग आ गई अच्छा अब मेरे दोस्त ने कहा यार क्या करें और अब कोविड टेस्ट छब्बीस हज़ार रुपए कोविड टेस्ट के लगे हुए हमारा पता नहीं उस वक्त कितने का था फिर हमारे जब टिकट आगे बढ़ रहे थे छब्बीस हज़ार को इसमें लग रहे थे पर बंदा बावन हज़ार रुपये हमारे ऊपर लग रहे थे अगर हम फ्लाइट को एक दिन आगे बढ़ा दें तो अब मेरे दोस्त ने कहा यार क्या करें मेरी मीटिंग बहुत ज़रूरी है वो इंटरनेशनली काम करता है बेचारा छुट्टियों पर आया हुआ था और उसके बीच में मीटिंग आ गई सही मैंने कहा यार दफ़ा कर अगले दिन चले आएंगे नहीं करते उसने बोला कि पक्की बात है क्योंकि मैं तो जा सकता था ना लेकिन मैंने कहा नहीं यार जब सात का प्लान है सात जाएंगे कोई नहीं लगा देते हैं। एक सेकंड के लिए भी हालांकि रात को ख्याल आ रहा था कि मतलब अभी जहाज में होते बैठे हुए होते जा रहे होते रात को ख्याल आया लेकिन ना शुक्री नहीं की अल्लाह से ये कहा कि अल्लाह खैर हो गए आपने मसलियत रखी है मुझे समझ नहीं आ रहा आपको पता है अगले दिन रात की फ्लाइट थी आप यकीन करें मेरे सॉरी छब्बीस मेरे ऊपर लगे थे अगले दिन सुबह सुबह मेरी आंख खुलती है एक फोन से एक फोन मेरे पास आया उन्होंने कहा कि भाई वो हमारी डिजिटल एजेंसी में वो एक, एक तीन वीडियो हैं वो आप अगर सेट करके दे दें दे तो वो हो जाएगा काम आसान हो जाएगा मैंने कहा ठीक है उस फोन से उठा उस फोन उस पर मुझे मिले शायद कोई बत्तीस या चौतीस हजार रुपए उस काम के दोपहर दो बजे मुझे एक बड़ी कॉर्पोरेशन से फोन आता है यार हमारी डिजिटल एजेंसी ने डिच करा दिया है आप जल्दी से आके तीन घंटे का एक काम है तीन घंटे भी नहीं शायद डेढ़ दो घंटे की छूट है कि निकाल देंगे मैंने कहा आ जाऊंगा मैं वहां गया पैंतालीस रुपए वो मिल गया उसके बाद जैसे शाम हुई मेरी एक और मीटिंग हुई वो काम हमारा एंड तक पहुंच नहीं सका लेकिन उसके अंदर भी कोई दो ढाई लाख की गेम हमारी वहां पे भी अल्लाह ने करवा दी सही कोई इतनी फिगर मैं थोड़ा मिस कर रहा हूं कुछ आगे पीछे इतना था, था अगली रात को मैं फ्लाइट में बैठ के दुबई पहुंच गया अब मैं ये सोच रहा हूं कि ना सिर्फ मैं रुका मैंने सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा किया मैंने एक कहा अल्लाह यार ये क्या कर दिया ये क्या हो गया मैंने कहा मेरी मसल है मुझे नजर नहीं आ रहा और मैंने कहा कि चौबीस घंटे पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये मेरी फ्लाइट क्यों रुकी है चौबीस घंटे बाद जब मैं चला गया तो देखें अल्लाह ताला ने इतना सब कर दिया तो भाई आप शुक्र अदा करें अल्लाह ने वादा किया लिन शकर तुम अजीद अल्ला तो, जैसा गुमान रखे वैसा अल्लाह करते हैं में। में। एसा एसा भी होता है। है? आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया है तुझे पता है तो अल्लाह ने भी जोश लिखा अल्लाह ने कहा मैं दिखा दूंग मसलियत क्या थी और फिर अल्लाह तला ने मेरे सामने इतनी चीजें रख दी तो फिर मैंने उसको ऐसे समझाया उस बच्चे का मुझे मैसेज आया कि आप थैंक यू सो मच आपने वीडियो बनाई मैंने ऐसे सोचा नहीं था ऐसे बात सोची तो बात

मैं खुद मदरसे तो तो का पढ़ा हुआ अलहमद का लाख लाख शुक्र है जब आपका अल्लाह पे बिलीव अच्छा होता है ना तो आपके साथ चीजें होती हैं आपको नजर आती है मोजादी तौर पे कैसे काम होते हैं तो अगर आप इस तरह चाहते हैं कि आप सीरत लोगों को बताएं आप चाहते हैं कि लोगों को आप यानी कि अल्लाह तला के करीब लाए या आप अपने कॉन्टेंट के जरिए अगर चीज पहुँचा रहे हैं तो उसको रिलेटेबल बनाएं सही और रिलेटेबल बनाने का सबसे अच्छा तरीका अपना एक्सपीरियंस बताया मेरी हर कहानी यहाँ से शुरू होती है एक दफा मेरे साथ ये हुआ एक दफा मेरे साथ हुआ भाई हम, मुझे लोग कहते हैं भाई तुम्हारे साथ ही सब कुछ होता है आपके साथ हाँ हा, तो फिर मैं उसका जवाब ये देता हूँ कि भाई मेरे साथ सारे इतफाक नहीं होते मैं कहानी ही पर तो बनाता हूँ जो मेरे साथ होता है मैं भाई इनके साथ क्या हुआ मैं क्यों बनाऊँ उस पे कहानी आपके साथ क्या हुआ आप अपनी कहानी सुनाऊंगा सुना। तो वो मेरे साथ हुआ है आप उस सब्जेक्ट के रिलेटेबल रियल लाइफ चीजें दिखाएं जो आजकल आपके साथ हो रही है आपने एक्सपीरियंस की है उसी बात पे लोगों का एतमाद बढ़ता है उसी बात पे लोग ज्यादा बिलीव करते हैं जो आपका अपना एक्सपीरियंस हो बिल्कुल तो वही बात करें तो बहुत अच्छा अच्छा स्टोरी के अलावा भी मुख्तलि हो सकते हैं यूट्यूब पे मतलब के वाले से आप अगर बिल्कुल वो तो लेकिन स्टोरी सबका बेसिक बेसिक है बेसिक है स्टोरी अगर आपको बनाना आती है तो आप कुछ भी आप तीन घंटे की फिल्म भी भी करें फिल्म भी करें डॉक्यूमेंट्री भी करें सब कुछ कुछ भी करें और आजकल बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ब्लॉग्स के अंदर आ रहे हैं वो देख रहे हैं कि वो जैसे कि आपने नाम लिए उनको देख के वो गाड़ियां ले रहे हैं तो ये ले रहे हैं ये बड़ा मसला है लोगों का हाँ, बन के हाँ, हाँ, न -न, नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे उनको ये बातें समझनी चाहिए कि अगर वो आज गाड़ी बंगला वो लेके बैठा हुआ है तो उसने इस काम में या तो बड़ी मेहनत की है बहुत ज्यादा या उसने कुछ ऐसे मीन्स किए हैं कुछ ऐसे उसने तरीके कार किए जो आप कर नहीं सकते बिल्कुल जो आपका माश, आपका घराना आपको माशरा तो अब इजाजत सभी देता है आपका घराना आपको इजाजत नहीं देगा ठीक है तो कम तो फिर आप इस पर वो कर लें यानी कि अब अब आप भी हो सकता है हाँ, हाँ, आप इस पे इस पे मतलब कॉम्प्रोमाइज कर लें फिर आप भी मतलब यानी कि वो है ना हो जाएंगे बिल्कुल इसको बिल्कुल मसला नहीं है लेकिन वो जाहिर है कि आपकी बाउंड्रीज हैं दीन के वाले से भी घर के वाले से बाकी बाउंड्रीज के अंदर देखें हम लोग ये चीज बहुत कहते हैं कि इस्लाम कानून हमको ये काम करने से रोकता है वो ये नहीं सोचते कि वो वहां हद लगाता है जहां आपके लिए नुकसान है बिल्कुल उससे पहले तो सभी आपके लिए दुनिया खुली हुई है ना आप ये मत सोचो कि मैं ये नहीं कर सकता मैं ये नहीं कर सकता मैं ये नहीं कर सकता आप ये सोचो मैं बस ये 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 नहीं कर सकता बाकी तो कुछ भी कर सकता हूँ ठीक है आखिर में जामतुर आज विजिट किया माशाला थोड़ा सा कोई जामत रशीद के हवाले से आप पहले से जानते हैं जामतर रशीद मेरे यहाँ पे एक दोस्त रहते हैं एहसन साहब एहसनाबाद के अंदर एसन तो मैं उनके पास अक्सर आता रहता हूँ तो मुझे पता चला है, रशीद के बारे में मैंने बिल्डिंग कई दफ़ा देखी थी लेकिन कभी अंदर आने का इतफाक नहीं हुआ नहीं। और आई एम रियली अमेज जितनी माशा ये बड़ी बिल्डिंग है और जितना सब यहाँ पे मैंने लोगों को देखा और जो यूनिवर्सिटी देखी जो मीडिया डिपार्टमेंट ही देखा तो डिप्रेशन हो गया कि माशाल्लाह इतना बड़ा मीडिया डिपार्टमेंट ही एक मदरसे और यूनिवर्सिटी का है तो बहुत ज़बरदस्त माशा माशा ठीक है नाजी मुतरम आज का ये पोडकास्ट अपने ख़ताम को पहुंचा स्टोरी टेलिंग के हवाले से वकार सिद्दीकी साहब आप उनको जानते हैं पहचानते हैं आज उन्होंने अपनी थोड़ी सी आ, पिछली ज़िंदगी भी बताई अपने तजुबा भी आपके साथ शेयर किए आपको मोटिवेशन भी दी और जो मसाइल हो सकते हैं थोड़े बहुत वो भी आपको बताए हैं तो इन दोबारा किसी और मेहमान के साथ किसी नए पोडकास्ट में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़